तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ज़रूर से देख ही लिया होगा मतलब उसी को देख के तो आप इस वीडियो में घुस पड़े होगा <laughs> तो ये है ना हम बना रहे हैं चॉकलेट शेक यार मैंने पहले ही दिखा दिया यार क्यों दिखा दिया <laughs> तो वो जैसे मैंने बताया था ना चॉकलेट पाउडर के ना चॉकलेट के बना रहे हैं और ना चॉकलेट सिरप के बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं यार तो ये यार पहले मैं दिखा मतलब मैंने पहले हाथ आ गए मेरे <laughs> देख लिया मतलब आप लोगों ने बॉनवेटास ही बना रहे हैं तो ये क्या एक तो क्या है कैडबरी का है सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि कैडबरी की चीज़ें यार चॉकलेट ही होती है ना तो इस वजह से मैंने इसे ही चूज करा था वैसे तो हॉर्लिक्स वगैरह को भी कर सकते थे पर कैडबरी ज्यादा बढ़िया थी है ना फिर मैंने इसको दो चम्मच डाल दिया क्योंकि मुझे चाहिए था थोड़ा मतलब एकदम बढ़िया वाला ना <laughs> समझ सकते हो समझ रहा हूँ ना हाँ हा। बढ़िया सा चॉकलेटी ही वाला मतलब फ्लेवर चाहिए था फिर इसमें मैंने चीनी डाल दी चीनी अपने मुताबिक डाल सकते हो कम ज़्यादा कर लो यार कई दिक्कत है <laughs> फिर इसमें दूध डाल दिया उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया अब यहाँ पे ना ये स्टेप है ये आप कर सकते हो अच्छे से ठंडा ठंडा दूध डाल के ना क्या है ठंडा ठंडा दूध डाल के <laughs> <laughs> इसको थोड़ा सा पहले थोड़ा सा दूध डालना है और फिर उसको ग्राइंड करना है इससे क्या होगा चीनी वीनी सब मेल्ट हो जाएगी और ना वो जो वो था ना क्या कहते हैं बॉर्नविटा वो अच्छे से उसमें घुल जाएगा है ना अब यहाँ पे ना थोड़ी सी पारी है गिलास को डेकोरेट करने की वो तो ज़रूर से करना ही पड़ेगा वो नहीं करेंगे तो यार लुक कैसे आएगा तो ये मैंने चॉकलेट सिरप से कर दिया था अब यार अंदर ही डाला है मैंने चॉकलेट सिरप जितना मत करो तो ये तो बस डेकोरेशन है डेकोरेशन को स्किप भी करा जा सकता है पूरी तरीके से है ना तो ये मैं सोच सोचना यार कि आपने तो बोला था चॉकलेट बिना सिरप के मतलब बिना चॉकलेट सिरप के पर बिना चॉकलेट सिरप के ही बन रहा है ये तो डेकोरेशन है है ना नहीं भी करोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा आपको अब आया ना लाइन पे फिर जिसमें मैंने पूरा दूध डाल दिया और फिर इसको एक बार और ग्राइंड कर लिया अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप दूध को ना पहले आइस क्यूब में जमा दो और फ्रिज में डालो ना एकदम थिक सा बनेगा पर मुझे इतना थिक चाहिए ही नहीं था मुझे ठीक ठीक वाला चाहिए था इसलिए मैंने ठंडा दूध का यूज़ कराया अगर आप बिल्कुल ठीक ठीक वाला मेरे से पीने वाले हो ना <laughs> तो बिल्कुल मतलब फ्रिज का दूध ले लो सीधे सीधे है ना कोई आइस वाइस डालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है वापस से अभी गर्मी आई थी पर गर्मी चली गई नहीं हो गया। कुछ भी। ऐसा भी हो रहा है ना कभी-कभी तो इसलिए मैंने ना ठीक ठीक वाला ही रखा है बीमार तो हो जाएंगे तो कहाँ ही पी पाएंगे और ही वीडियो डाल पाएंगे करना आगे, चला, आगे चला। <laughs> तो बस अब आपको इंजॉय करना है टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था मतलब चॉकलेट का फुल इसमें टेस्ट आ रहा था बॉर्नविटा का ऐसे अलग से टेस्ट नहीं आ रहा था और क्योंकि ना ठंडा जब हम बॉनविटा पीते हैं ना तो एकदम चॉकलेट वाला टेस्ट करता है अगर हम बॉनविटा को गर्म दूध में पियेंगे ना तब तो वो थोड़ा अलग टेस्ट करेगा जैसे लगेगाटा नाम की कोई चीज़ है <laughs> आप के ज्ञानी बाबा मतलब हम चॉकलेट नहीं पी रहे बॉनवेटा पी रहे हैं साफ साफ दिख जाएगा गर्म दूध में पर ठंडे वाले में बिल्कुल पता नहीं चल रहा था बिल्कुल एकदम चॉकलेट सिरप लग रही थी तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी बॉनविटा से इसको डेकोरेशन कर दी और कैसी लगी यार कैसी लगी आगे स्वाद <laughs> खत्म अब मैं गाना शुरू कर रहा हूं म्यूजिक